विजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल विजय न्यूज पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहा हूँ सैमसंग की एलईडी 32 इंच की, जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों UA3243100AKXL। तो चलिए दोस्तों मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ, फिर अपन देखेंगे इस बॉक्स के साथ कंपनी ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं, बॉक्स के साथ अपने को और क्या मिलेगा, इसकी वारंटी वगैरह क्या है, वो सभी अपन जानेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसे अनबॉक्स कर लिया है और मैंने इसे टेबल टॉप स्टैंड पर इंस्टॉल कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने इस बॉक्स के साथ क्या क्या दिया है अपने को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक एलईडी है, दो टेबल टॉप स्टैंड है, एक ही अपना रिमोट है सैमसंग का जो कि काफी अट्रेक्टिव है देखने में, दूसरा है एक ये लीड है और कुछ स्क्रू वगैरह और एक यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड है और एक ये क्विक सेटअप गाइड है दोस्तों। दोस्तों इन सब चीजों को अपन साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इस एलईडी में क्या क्या फीचर्स है दोस्तों। दोस्तों इस एलईडी में कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर है जो कि एक पिक्चर के डीप तक जाके अपने कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता है ताकि अपने को क्वालिटी अच्छी देखने को मिले। इसमें एचडी पिक्चर क्वालिटी है जो कि अपने वाइड एंगल से देखने पे भी अच्छी क्वालिटी दिखेगी दोस्तों, एक तरह से ये अपग्रेडेड वर्जन है एलईडीज में। दोस्तों एक प्रॉमिस जो मैं आपसे कर सकता हूँ वो ये है कि अगर आप इसकी एचडी पिक्चर क्वालिटी देख लेंगे तो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाले जो सेट टॉप बॉक्स है उन सभी को हटा देंगे दोस्तों। दोस्तों इस एलईडी में अपने एचडीआर फीचर है जो कि अपनी पिक्चर क्वालिटी को काफी अपग्रेड करता है। अगर अपन वेब सीरीज वगैरह देखते हैं तो उसमें काफी अच्छी क्वालिटी आएगी, ब्राइटनेस को अपग्रेड करेगा और जो अंधेरे के जो सीन्स होते हैं उनमें भी अलग से कलर डालने का, कलर एडजस्ट करने का ये काम करता है दोस्तों। तो एक तरह से काफी अच्छी क्वालिटी है देखने में। दोस्तों इसमें एक खास फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है वर्चुअल म्यूजिक सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट को चलाना चाहते हैं तो आप उसे चलता हुआ देख सकते हैं और अपने साउंड की जो क्वालिटी है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। एलईडी में स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन आता है ताकि आप अपने जो वीडियोज है, फोटोज है, उनको अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर अपन इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें एचडी डिस्प्ले के साथ एचडी रेडी डिजिटल वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है जो कि 1366x768 का वीडियो पिक्सल्स का जो रेजोल्यूशन है उसे सपोर्ट करता है दोस्तों। दोस्तों यह एलईडी टाइजन ओएस से बनी है और इसमें मोली 400 का ग्राफिक प्रोसेसर है जो कि सिर्फ सैमसंग की इस वाली एलईडी में है दोस्तों। दोस्तों अगर अपन इसके एप्स के सपोर्ट की बात करें तो इसमें लगभग सारे एप्स सपोर्ट करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, सोनी लिव है, हॉटस्टार है, जियो टीवी है, एप्पल टीवी है, ये सभी एप इसमें सपोर्ट करते हैं और प्री इंस्टॉल्ड आते हैं दोस्तों। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसका साउंड आउटपुट कैसा है और इसमें कितने स्पीकर हैं, कितने वोट के हैं। तो दोस्तों इसमें दो स्पीकर हैं जो कि 20 वोट के हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड हैं और आपको स्टीरियो टाइप का साउंड देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों इसमें दो HDMI पोर्ट है, एक USB पोर्ट है और इनबिल्ट वाईफाई है दोस्तों। जो मेन चीज है दोस्तों वो है वारंटी और इसकी इंस्टॉलेशन। दोस्तों कंपनी इसकी एक साल की वारंटी देती है और आपके इंस्टॉलेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका जो वॉल माउंट वाला स्टैंड है वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कंपनी की तरफ से दोस्तों। दोस्तों लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। दोस्तों अगर आप ये एलईडी बाय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशन कर दूंगा और ऊपर स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अपना आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।